हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से सभी अनाज मंडियों में गेहूं की आवक होने और सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीद का दावा किया था, लेकिन पिछले दिनों हुई बरसात व ओलावृष्टि के कारण अंबाला छावनी की मंडी में गेहूं की कोई आवक नजर नहीं आई। ज्यादातर गेहूं की फसल अभी पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई है। वहीं मंडी में आढ़तियों का कहना है कि इस बार 1 हफ्ते बाद से गेहूं की आवक होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए मंडी में तिरपाल वगैरह का पूरा इंतजाम किया हुआ है। मैं निर्मल सिंह नाज मंडी अंबाला कैंट से बोल रहा हूँ, और गेहूँ की आवक आपकी बात ठंडी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी लेट है। खरीद तो पहली तारीख से आएगी, पर भी मंडी में कोई गेहूँ नहीं है, और पिछली बार मंडी में 1,25,000 के लगभग क्विंटल गेहूँ के आए थे। आपकी बार पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा आने की उम्मीद है, 5,000। तो ठंड है, वैसे तो फसल अच्छी है, अभी बारिश बुरस इससे बची रही मौसम से, तो अच्छी होने की संभावना है। तैयारियां पूरी हैं, तरपालें क्रेट हमारे पास सब कुछ मौजूद है, गेहूँ आ जाएगी हम यदि पर दें। देर तो इस कारण से हो रही है सर, अभी जो की बात ठंडा मौसम रहा है ना ज़्यादा, इसकी वजह ठंड की वजह से गेहूँ 10 दिन लेट है। जय ये ठंड अभी भी ठंड पड़ रही है मार्च में, अभी ओले भी पड़े, बारिश भी पड़ी, इससे भी 5-7 दिन और लेट होगी, गिल्ली होगी सूखने में, वो बदलवाई चल रही है, इसने 2-4 दिन धूप गर्मी जोर से पड़ागी, गेहूँ हिसाब से आएगी नहीं, उस हिसाब से रूटीन में ठंड पड़ती रही तो और 7 दिन लेट हो जाएगी, 5-7 दिन। इस बारे में मार्केट कमेटी के सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि वैसे तो 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी आवक और खरीद शुरू हो जाया करती है, लेकिन इस बार मौसम ठंडा होने और बरसात व ओलावृष्टि के कारण गेहूं की आवक 1 सप्ताह देरी से होने की संभावना है। पिछली बार 1,17,000 क्विंटल की गेहूं की आवक हुई थी और इस बार 1,30,000 क्विंटल गेहूं की आवक होने की संभावना है। जो गेहूं की खरीद है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, और कोई भी यदि किसान अपनी गेहूं लेकर आता है तो उसका गेट पास अभी कट जाएगा, पर अभी तक यहाँ पे अनाज मंडी वाला कैंट के अंदर अराइवल स्टार्ट नहीं हुई है। संभावना है कि ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाए। पिछले बार गेहूं की 1,17,000 क्विंटल की आवक हुई थी, तो इस बार संभावना है कि 1,30,000 क्विंटल के आसपास। अभी फसल तैयार नहीं हुई है क्योंकि मौसम अभी तक इस बार ठंडा रहा है, तो इसलिए अभी तक गेहूं नहीं आई यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि ये नेक्स्ट वीक तक तैयार हो जाएगी और उसके बाद ही अराइवल स्टार्ट होगी। के लिए गेहूँ की खरीद के लिए देखते हैं इसमें कितनी चमक है, दाना टूटा हुआ तो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं एजेंसी के द्वारा, जिसमें कोई भी समस्या ना हो तो उसी गेहूँ का खरीद कर ली जाती है। बरसात आने की स्थिति में हमारे आढ़तियों के पास तरपाले और क्रेट्स पर्याप्त मात्रा में हैं, और उनकी सहायता से गेहूँ को ढक कर किसान की गेहूं को भेजने से बचाया जाएगा आर्थिक तौर पर। 2575 गेहूं का एमएसपी है। अब आप देखो अपने आसपास की हर खबर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल या एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें। अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315348468।